डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अप्रोचेस टू इंडियन नेशनलिज्म। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्टोरियोग्राफी, मतलब कैसे हिस्ट्री लिखी गई है इंडियन नेशनलिज्म की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उस पर एक विवेचना कि क्या डिफरेंट चश्मे लगा करके जब हम उस काल को देखते हैं तो क्या हमें अलग दिखता है, और क्या हमारा नजरिया बदलने से एक ही इवेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है या एक ही फिनोमेना इंडियन नेशनलिज्म, वो अलग अलग दिखने लगता है। ये जो थीम है ये कई कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के जो फोर ईयर डिग्री कोर्स बी ऑनर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उनके सिलेबस में है, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये कई यूनिवर्सिटीज में कई डिफरेंट सेमेस्टर या ईयर में ये आपको पढ़ाई जाती है, इग्नू से लेके एसओएल तक में। तो चलिए हम लोग बिना और किसी भूमिका के जल्दी से इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को करते हैं, जो एक तरह का कड़ी होगी जो मैंने इसके पहले वीडियो रिलीज किया था, जिसमें कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम लोगों ने कोलोनियलिज्म का देखा था। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म, जो कि एक अलग टाइप की नेशनलिज्म डेफिनेटली थी, क्योंकि यूरोप से जो ये फीलिंग आई थी नेशनलिज्म की, उससे हट करके था, उसको किस चश्मे से हिस्टोरियन ने देखा जिन्होंने हिस्ट्री लिखा है, और उसकी हम कैसे विवेचना करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो सिलेबस, जहां जो कोर जिससे मैं शुरू कर रहा हूं, वो है DSC 3, जो फर्स्ट ईयर जो फोर ईयर डिग्री कोर्स है FYUGP, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। उसमें यूनिट 1 में हम लोग अभी हैं। ये मैंने वीडियो रिलीज कर दिया है और ये वीडियो पे आज हम लोग इस वीडियो में इस पे चर्चा कर रहे हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिस्ट इंपेरियलिस्ट मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टर्न। जैसा मैंने कहा कि ये केवल यहीं पे नहीं है, ये कई कई जगह आपको सिलेबस में डिफरेंट कोर्सेज में दिखती है, इंक्लूडिंग UGC नेट। सबसे पहले हम लोग अपनी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं नेशन और नेशनलिज्म। ये कोई इंडिया से ही केवल रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल इसका क्या मायने होता है, और ये हर समय रिलेवेंट होगा क्योंकि आप डे टू डे जो है इस पे चर्चा सुनते हैं, इस पे बहस होती है। तो एक बार फिर से रिविजिट करें बिफोर वी कम टू द मेन थीम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड इट्स डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ इट्स हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी। देखिए, नेशन जो यहाँ लिखी हुई है, तो मैं आपके नोट के लिए बहुत कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली नेशन जो है और सारे जो कम्युनिटी होते हैं, कई उसमें से बर्थ बेस्ड होते हैं, कई प्रोफेशनल होते हैं, उससे कई मायनों में अलग है। देखिए, आप इमेजिन कीजिए, एक मुगल काल है मान लीजिए इंडिया में, और इतना बड़ा देश में उनका शासन है, हजारों लाखों गाँव उसमें है। एक गांव में जो एक व्यक्ति, मान लीजिए बिहार के एक छोटे गांव में 18वीं या 17वीं शताब्दी में, मान लीजिए अकबर के टाइम में कोई रह रहा है, तो उसको ये आभास होना कि वो एक पूरे भारतवर्ष जो हिमालय से लेके और कन्याकुमारी तक ऐसे फैला हुआ है, उसका जितने मेंबर उसमें हैं वो सब उसके भाई बहन हैं, ये इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। लोग इमेजिन जो अपनी कम्युनिटी वो करते थे, वो गाँव में जो उनकी कास्ट कम्युनिटी है उसको वो करते थे, अपने अपने खानदान से आगे बढ़ करके बस एक कास्ट कम्युनिटी, और बहुत हुआ तो गांव में जितने कास्ट हैं उन सब के साथ मिल करके वो गांव को इमेजिन करते थे कि हम एक कम्युनिटी हैं, या 10 गांव को जहां वो मेला वोला में जाते थे, यही था। और उन इन सभी लोगों को, ऐसे जो लाखों गांव के लोगों को जो जोड़ता था, वो एक कॉमन मुगलिया एम्पायर था, कि मुगलिया सल्तनत है उससे हम जुड़े हुए, हमारा सुल्तान एक है, दैट्स ऑल। लेकिन जब मॉडर्न काल आया ना, तो ऐसा संभव हुआ प्रिंट कैपिटलिज्म से, मतलब जो मैं बेनेडिक्ट एंडरसन का ले रहा हूं ये टर्म, मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस आई, जब उसमें न्यूज़पेपर निकलने लगे, मैगजीन और बुक्स निकलने लगे, तो सारे लोगों में एक प्रचार हुआ कि अरे, इस भाग में जो हम लोग रह रहे हैं, भारत के भूभाग में एक देश है, हम लोग यूरोप में जो रह रहे हैं एक पार्ट में हम फ्रांस हैं, फ्रेंच हैं, तो ये, और उसको जो है कैपिटलिस्ट जो फोर्स था ना जो उदय हो रहा था उस समय, उसने उस नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। इसके करने का कारण यह था कि यदि पूरा नेशन एक हो जाए ना, लोग सोचने लगे कि हम एक हैं, तो गांव और डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, रीजन की दीवारें कटेगी ना, तो एक मार्केट बनेगा, ट्रेड होगा, उन्नत होगा, वेट्स एंड मेजर एक होंगे, एक रूल रेगुलेशन होगा, तो लाइफ काफी प्रॉस्पेरस होगी, और ये हुआ। उससे भी आगे बढ़ करके ये हुआ कि यदि एक नेशन के लोगों में ये भावना आ जाए कि हमारा नेशन सबसे उन्नत हो,
तो हम जो है पूरे उस भावना को लेके, लोगों को पैशन को लेके अपने देश को जो है सबसे अमीर बना सकते हैं, दूसरे देश पे कब्जा कर सकते हैं जो कॉलोनियलिज्म में हुई और उसके चलते ही वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो ये सारी चीजें जो है एक फोर्स के तहत हुआ जिसमें कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा रोल था जो उदय हो रहा था 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते एक ऐसी भावना बनी कि पूरे एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों में यह भावना भरी गई, कॉन्शियसनेस जिंदा किया गया कि वो एक कम्युनिटी के पार्ट है, इमेजिन कम्युनिटी, क्योंकि ना तो वो कास्ट से जुड़े हुए हैं ना रिलीजन कॉमन है, कई जगह तो रिलीजन कॉमन नहीं थी, लैंग्वेज भी कॉमन नहीं थी। यूरोप में अच्छा ये रहा, अच्छा मीन्स नेशनलिज्म के लिए, कि वहां रिलीजन और लैंग्वेज जो है वो कॉमन हो गई थी, तो लोगों को फील हुआ कि एक रेस के हैं, एक रिलीजन है और एक लैंग्वेज है और एक भूभाग में रह रहे हैं, तो हम एक जैसे लोग हैं। तो वहां नेशनलिज्म की भावना बहुत प्रबल हुई और जब वेस्टफेलियन स्टेट आया तो ये हुआ कि एक राजा का एक नेशन होगा, एक रिलीजन होगा, एक भूभाग होगा, तो उससे काफी बल मिला नेशनलिज्म को। और वो जब कॉलोनियलिज्म के थ्रू वही भावना जो है भारत और अन्य देश में भी पहुंची तो यहां भी लोगों को फील हुआ कि यस हम भी एक नेशन है। वही फोर्स जो वहां पे काम कर रहे थे वो भी कमोबेश इंडिया और अफ्रीका और एशिया के अन्य कंट्रीज में भी काम करने लगे। मार्क्सिस्ट इसको कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने जनरेट किया नेशनलिज्म इंडिया में भी उसी तरीके जैसे यूरोप में। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पे यदि हम तेजी से देखें कि ये क्या लिखता है, तो नेशन इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्लेमिंग कॉमन बॉन्ड्स लाइक डिसेंट। कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, जैसे आपने देखा रिलीजन कॉमन है या डिसेंट कॉमन हो, इथनिसिटी या लैंग्वेज कॉमन हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, जैसे इंडिया में तो आप इन सबको कॉमन नहीं कर सकते, तो हम एक कल्चर कहते हैं कि अब, लेकिन कल्चर में विवाद हो जाता है कौन सा कल्चर, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, कंपोजिट कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर, कौन सा कल्चर, तो लेकिन एक कोई एका होनी चाहिए। एन एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी इनहेबिटिंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी, तो एक जगह भूभाग पर रहने वाले लोग जो सोचते हैं कि हम एक जैसे हैं, ये एक नेशन है। लेकिन नेशन जो है ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ए पॉलिटिकल मतलब जिसका पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। जब एक भूभाग पे रहने वाले लोग अपने को एक पॉलिटिकल यूनिट मानने लगते हैं जो सॉवरेन है, तब जाकर के वो नेशन होता है, आप ऐसे समझिए। बेनेडिक्ट एंडरसन जिसपे जिन्होंने काफी इस पे काम किया, उन्होंने बुक लिखा था इमेजिन कम्युनिटी 1983 में, वो डिफाइन करते हैं नेशन को जो बहुत पॉपुलर हुआ, इट इज ए सोशियली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी, मतलब कोई नेचुरल नहीं है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लंबे में, ये एक इमेजिन कम्युनिटी है विच इज इमेजिन बाय द पीपल हु परसीव देमसेल्व्स एज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप। वो इमेजिन करते हैं कि वो नेशन है, तो इसलिए उनके लिए नेशन एक इमेजिन कम्युनिटी बन गया। एंथोनी डी स्मिथ जिन्होंने लिखा नेशनलिज्म 1984 में, वो डिफाइन करते हैं नेशन को एज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, एक आइडिया है, फॉर अटेनिंग एंड मेंटेनिंग ऑटोनॉमी, यूनिटी एंड आइडेंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ ए पॉपुलेशन डीम्ड बाय सम ऑफ इट्स मेंबर टू कंस्टिट्यूट एन एक्चुअल और पोटेंशियल नेशन। मतलब जब आप मान लेते हैं कि आप नेशन है इस सेंस में, तो उसको कैसे आप सभी लोगों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से इसको आप अटेन करते हैं एज ए ऑटोनोमस कम्युनिटी जो एक तरह से मतलब सॉवरेन है या ऑटोनोमस है, ये एंथोनी डी स्मिथ कहते हैं। इन सब में आप देखेंगे तो ये एक तरह का आइडिया है जो इमेजिन करवाता है बहुत सारे लोगों को जो एक साथ रह रहे हैं किसी टेरिटरी में कि आप एक कॉम हो, एक कम्युनिटी हो। सोचिए इसको, ये कोई नेचुरल नहीं है। ए नेशन इज ए हिस्टोरिकली, स्टालिन का देखिए, चलिए मैं छोड़ देता हूं, बहुत बहुत देर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, सब में एक ही बात नहीं था जो मैंने आपको बोला। नेशनलिज्म यदि देखिए तो वो इज्म लग जाता है नेशन में। नेशन की जो भावना है कि हम एक नेशन के मेंबर हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, ये भावना नेशनलिज्म है। सो नेशनलिज्म इज आइडेंटिफिकेशन विथ वंस ओन नेशन, मतलब जब हम अपने को अपने नेशन के साथ जोड़ने लगते हैं, हमें नेशनल कॉन्शियसनेस आता है, जैसे हमें कास्ट कॉन्शियसनेस आता है कि हम एक कास्ट के मेंबर हैं, उसी तरह से हमें ये फीलिंग आने लगे कि हम एक पर्टिकुलर नेशन के मेंबर हैं जो औरों से अलग है और हमारी लॉयल्टी इस नेशन के लिए सबसे ज्यादा है, तो वो नेशनलिज्म है।
and placing primary emphasis on promotion of its culture and interest as opposed to those of other nation. और जब हम ये feel करने लगे कि भाई अपने nation को हमको महान बनाना है, in comparison to दूसरे nation हमें compete करना है, तो ये भी भावना nationalism की है. अर्नेस्ट गेलनर, जिन्होंने काफी काम नेशनलिज्म पे किया, उन्होंने बुक लिखा था नेशंस एंड नेशनलिज्म 1983. उनके अनुसार से नेशनलिज्म इज ए पॉलिटिकल प्रिंसिपल दैट होल्ड्स दैट नेशनल एंड पॉलिटिकल यूनिट शुड बी कॉन्ग्रुएंट. ये यहाँ पे सीधा पॉलिटिकल बात करते हैं, ये है पॉलिटिकल यूनिट जिसको हम स्टेट कहते हैं. और यदि इसकी बाउंड्री और एक पीपल जो अपने को नेशन मानते हैं, दोनों की बाउंड्री सेम हो जाए, तो ये नेशनलिज्म की भावना है. यानी कहने का मतलब ये कि जब एक ऑटोनोमस ग्रुप ऑफ पीपल अपने को पॉलिटिकली सॉवरेन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, तो वो जो भावना है वो नेशनलिज्म है. सो अर्नेस्ट गेलनर के अनुसार, ये तो चलो इसी को रिपीट हो गई, कि नेशनलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है. और गेलनर ये भी कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन जो हुई है इस कैपिटलिस्ट एज में 18th-19th सेंचुरी में, उसका प्रतिफल है जो मैंने आपको इतने डिटेल में बताया. वो फोर्स, चूंकि उससे बहुत फायदा था ट्रेड बिजनेस मार्केट और बाद में कॉलोनियलिज्म, इन सब के चलते नेशन को क्रिएट किया गया थ्रू प्रिंट कैपिटलिज्म, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू पब्लिक ओपिनियन, थ्रू ए काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक मूवमेंट, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जिसको चलाया बोर्जोजीज क्लास ने, जो क्लास को सबसे ज्यादा फायदा होना था नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से. और नेशनलिज्म ने जो है वो जो फ्यूडल व्यवस्था थी, फ्यूडल व्यवस्था मेडिएवल टाइम की, कि राजा उसके नीचे छोटे राजा फिर और जमींदार, उन सबको ध्वस्त कर दिया और एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाया. और जिसको कंट्रोल कौन करता है? बोर्जुआज़ी क्लास, पढ़ा लिखा क्लास, मिडिल क्लास, और उसको प्रोफेशनल क्लास, और उसी को सबसे ज्यादा फायदा इससे होना था. तो एक तरह का यदि मार्क्सिस्ट व्यू से देखे तो ये कैपिटलिज्म का एक आइडियोलॉजी था नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट, वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मार्क्सिस्ट व्यू से देखे तो, बाकी बहुत सारे व्यू से देख सकते हैं. सो नेशनलिज्म इज कॉमनली यूज टू डिनोट ए कंडीशन ऑफ माइंड. अब यहां पे हायस जो है ये इसको अगेन वही बात कहते हैं कि ये इमेजिनरी है, एक कंडीशन ऑफ माइंड है अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए नेशनलिटी, जो एक अपने को नेशन मानते हैं, परहैप्स ऑलरेडी पोजेस्ड ऑफ ए नेशनल स्टेट, मतलब ऑलरेडी वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी जैसे हैं, ए कंडीशन ऑफ माइंड इन विच लॉयल्टी टू द आइडियल और टू द फैक्ट ऑफ वंस नेशनल स्टेट इज सुपीरियर टू ऑल अदर लॉयल्टीज. तो कोई भी उससे ज्यादा बड़ी लॉयल्टी हमारी नहीं है किसी कम्युनिटी के लिए, पॉलिटिकल कम्युनिटी जो अपने देश के लिए है. तो ये आइडिया, और ये एक कंडीशन ऑफ माइंड है. इसी तरह से हांस कॉर्न, जिन्होंने भी काफी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पे काफी बुक लिखी है, उनके अनुसार से भी नेशनलिज्म इज ए स्टेट ऑफ माइंड. इट इज स्ट्राइविंग टू कॉरेस्पॉन्ड टू ए पॉलिटिकल फैक्ट. इट इज ए पॉलिटिकल फैक्ट, ये कोई ऐसे केवल आइडिया नहीं है. जब आप स्टेट ऑफ माइंड, जब आप सोचने लगते हो कि आप एक सॉवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी के पार्ट हो, जो एक पर्टिकुलर भूभाग पे रहती है, जिसको सबसे हमें उन्नत बनाना है, सबसे स्ट्रांग बनाना है, सबसे प्रॉस्परस बनाना है इन कंपेरिजन टू अदर सच नेशन स्टेट या नेशन, तो ये भावना जो है नेशनलिज्म हो जाती है. नेशनलिज्म जैसा मैंने बताया कि एक मॉडर्न फिनोमेना है जो 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप में निकलती है. कैपिटलिज्म इसके पीछे का एक तरह से फोर्स होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि नेशन और नेशनलिज्म जो फोर्स है उससे मार्केट यूनिफाई हुए, उससे कंट्री होमोजेनस बना, ट्रेड एंड बिजनेस को बढ़ावा मिला, और उससे ही जो है कॉलोनियलिज्म इवन इतना स्ट्रांग हो गया कि आपस में नेशन कंपीट करने लगे बाहर में टेरिटरी को जीतने की, जिससे कि एक होड़ लगी और उससे जो रिचनेस इन सब की जो बढ़ी, उससे उन सब को सींचा गया नेशनलिज्म की भावना से कि मेरा नेशन महान, मेरा नेशन महान, जो अभी भी चल रहा है. अब आइए यदि हम लोग देखें कि ये तो प्राइमर हो गया कि नेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है. अब जो कोर जो टॉपिक है कि क्या अप्रोचेज हैं स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. अब यहां पे देखिए, इसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं. मैं 3-4 बार इस वर्ड को यूज किया. हिस्टोरियोग्राफी क्या है? हिस्ट्री तो लिख दी गई, अब ये अध्ययन करना कि हिस्ट्री जो लिखी गई है वो किस चश्मे को पहन के लिखी गई है, किस नजरिए से लिखी गई है, किस अप्रोच से लिखी गई है, और उससे क्या वो ऑब्जेक्टिव रह गई है, क्या उसके हम विवेचना कर सकते हैं कि उसमें क्या कमी या क्या क्रिटिकल वे में हम देख सकते हैं. मतलब देखिए, यहां पे समझिए, हिस्ट्री कभी भी जो है ए पॉलिटिकल नहीं होती है.
कोई सच्चाई नहीं होती है। जब आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो ऑलवेज ध्यान दीजिए कि वो लेखक किस विचारधारा का है। यदि वो मार्क्सिस्ट है तो आप देखेंगे हमेशा क्लास के लेंस से वो बोर्जुआजीज को हेट करते हुए या उसको क्रिटिकल होते हुए लेबर के पक्ष में, क्लास कंट्राडिक्शंस के बारे में, क्लास स्ट्रगल के बारे में, इकोनॉमिक मोटिव जो है लीडर्स के उसके बारे में लिखेगा। यदि वही आप देखेंगे कोई नेशनलिस्ट थिंकर ने हिस्ट्री लिखा है नेशनल मूवमेंट का, तो वो एक अलग ही स्पिरिट आइडिया की बात करेगा, पुराने पास्ट में जो इंडिया की ग्लोरी थी, जो राष्ट्र हमारा, मैंने आपको राष्ट्र पढ़ाया है, भारत राष्ट्र, उसकी बात करेगा, उसमें बड़े बड़े जो लीडर उनको सेक्रीफाइस की बात करेगा और ऐसा फील कराएगा आपको कि इंडियन नेशनलिज्म हमेशा से थी और हमेशा से वो बीज था और एक अलग टाइप की नेशनलिज्म थी जो यूरोपियन नेशनलिज्म से अलग है। तो इस टाइप की जब आप क्रिटिकली देखेंगे हिस्ट्री को जो लिख दी गई है, तो आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री जो लिखी गई है मॉडर्न इंडिया की और खास करके इंडियन नेशनलिज्म की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो 70-80 साल का 90 साल का रहा, वो एक अलग अलग नजरिए से लिखी गई है, अलग अलग चश्मे से लोगों ने, हिस्टोरियन ने देखा है, उसी की विवेचना हम यहां पे कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला चश्मा जो लगा करके हिस्टोरियन ने लिखा, ऑफकोर्स कौन लिखेंगे, वो जो हम पे करते थे शासन, जो इंपेरियलिस्ट थे। तो जैसे आगे मैं आपको नाम बताऊंगा, जेम्स मिल से भी आप देख सकते हैं, जेएस मिल, जेम्स मिल, एल्फस्टाइन एंड मेनी अदर थॉमसन, उन लोगों ने ढेर सारे हिस्ट्री के किताब जो है लिखे, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री के, जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनलिज्म इन सब पे बहुत सारे बातें की। उन सब का थॉट क्या था, मैं यहाँ पे दो स्लाइड में बता रहा हूं। एक तो ये व्यू था, इसको आप कॉलोनियलिस्ट व्यू भी कह सकते हैं, मतलब जो राजा का जो व्यू, जो ब्रिटिश कॉलोनियल थे, ये व्यू में उन्होंने इंडिया को एज ए नेशन बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कहा ये तो संभव ही नहीं है, इंडिया कोई राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है उस तौर पे जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे कि जहां लोग कॉमन रिलीजियन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर के बॉन्ड से। उनका कहना था यहाँ पे तो सैकड़ों जो हैं या हजारों जातियां हैं जो अपने को देश मानती हैं, मतलब दर्जनों या कह लें मतलब सैकड़ों लैंग्वेज हैं, इतने ज्यादा जितने यूरोप में भी नहीं है, उसमें बटे हुए हैं कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, रीजनलिज्म, तो यहाँ पे तो बस असेंबलेज है, ये लोग जो है मतलब एक टेरिटरी में रहने वाले असेंबलेज ऑफ न्यूमरस पीपल जो डिफरेंट कास्ट, क्रीड, ट्राइब, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज के हैं। तो ये लोग, ये जो डिस्परेट कम्युनिटी है, ये आपस में नेशन कैसे हो गए? जो नेशन का डेफिनेशन है उसका सारा कुछ उल्टा जो है वो इंडियन नेशन में है उनके अनुसार से। और उनका कहना था कि इस डिस्परेट कम्युनिटीज को, ये जो हजारों ऐसे जो डिस्परेट कम्युनिटी है इस भूभाग में, उसको यूनाइट करने वाला बस वही ब्रिटिश रूल ही तो है। और उन्होंने जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस बनाए, पार्लियामेंट बनाया, लेजिस्लेचर बनाया, आर्मी बनाया, जुडिशरी बनाया, कोर्ट कचहरी जो बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी बनाया, उससे ही भावना जो है वहां के इलीट्स में आई, नॉलेज, एजुकेशन और उसके थ्रू कि अरे ये जो इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है क्यों ना इसका फायदा लिया जाए। और उसके चलते ये जो इलीट्स थे, जो अंग्रेजदा थे, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ लिया, उनमें होड़ लगी कि ये जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बना है, मुगल काल में तो थे नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले के जो सामंत जमींदार थे, अब हम लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं उस तरह के राजपाट करने लगे, हम एमएलए एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। तो ये होड़ चली, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये नैरेटिव जो है इंपेरियलिस्ट नैरेटिव है, और वो होड़ जो है वो गांव से लेके और दिल्ली तक के मतलब एक वर्टिकल चला, और उसी को नेशनल मूवमेंट लोग कहते हैं इनके नजरिए से। कि नेशनल मूवमेंट कुछ नहीं था, नीचे गांव के लेवल पे जो है वो लंबरदार हैं जो 100-200 लोगों या 1000 लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, वो वहां के स्ट्रांग मैन हैं, वो स्ट्रांग मैन के जो पैट्रन हैं वो जो है ऊपर डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे हैं, जो कि 10-20 गांव के लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं या उनके जो लंबरदार हैं उनके वो लीडर हैं। फिर वो लीडर के जो पैट्रन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत और बड़ा लीडर है, जो इन तरह के जो स्ट्रांग मैन है ब्लॉक लेवल पे उसको वो पैट्रोनेज देता है, उसको वो हेल्प करता है पॉलिटिकली, और इस तरह से ये डोर जो है यहाँ बनते 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 प्रोविंस से होके दिल्ली तक जाती है। और इस नजरिए में जो नेहरू, पटेल, गांधी, ये सब पावर ब्रोकर दिखते हैं,
ये सब जो है नेशनल लेवल के जो है पैट्रॉन है, जो कि प्रोविंस लेवल के जो ये स्ट्रांग मैन है, पॉलिटिकल लीडर है, उनको पैट्रोनेज देते हैं। और ये सारा खेल जो है इस व्यू में केवल ये है, बंदर बांट है इन इलीट्स के बीच में, जो अंग्रेजदा हैं, जो बॉर्जोजीज क्लास हैं, जो इलीट क्लास हैं, जो एक तरह से सुविधा भोगी क्लास हैं, वो ब्रिटिश रूल के द्वारा जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए, जिसने कि इंडियन में फेडियोलिज्म को ध्वस्त किया, जमींदारी और इन सब को हटा के एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाया, उसके फ्रूट को चखने के लिए या उसको मजा लेने के लिए एक तरह का कंपिटिटिव पॉलिटिक्स जो है जो हुआ, उसको एक नेशनलिज्म का झूठ मूठ का जामा पहनाया गया, और उसमें मासेस को केवल भरमा करके अपने साथ लिया गया कि तुमको फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम उडम कुछ नहीं थी, ये इस इलीट क्लास का सत्ता हथियाने का कि तुम अंग्रेज जो इलीट हैं भाग जाओ और हम नेटिव इलीट को सत्ता सौंप दो, अब हम इंजॉय करेंगे। ये नेशनलिज्म था इंडिया का और यही नेशनल मूवमेंट था इस इंपीरियलिस्ट अप्रोच के अनुसार से। अब आप इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा, जो मैंने कहा है वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, जस्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसका कुछ कुछ देखिए तो मतलब ये नेशनल मूवमेंट को पैन इंडिया डी मानता है, उसको भी फ्रैगमेंटेड मानता है, उसको भी इस तरह का जो जो आप समझ सकते हैं इलीट का जो एक कंपिटिटिव पॉलिटिक्स था उसके तौर पर देखता है, आपको मैंने बता दिया। इससे मिलता जुलता एक अप्रोच जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल पर्सपेक्टिव है, वहां पे कैम्ब्रिज कॉलेज है, उसके जो थिंकर्स थे वो भी इसी विचारधारा के थे। उनका ये कहना था कि कोई रियल कंट्राडिक्शन नहीं है ब्रिटिश रूल और इंडियन पीपल में। इंडियन पीपल खुश हैं, वो तो मुगल काल से जो है उनको मुक्ति मिल गई, वो तो बहुत ही डेस्पोटिक था और बहुत ही टॉर्चरस था, लोगों को बहुत परेशानी थी, तो लोग को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो 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 सेंट्रल कंट्राडिक्शन जो इंडिया में है वो खुद उनके लोगों के बीच में है, जो कास्ट क्रीड कम्युनिटी रिलीजन रीजन पे बटे हुए हैं। और ये जो 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 नेशनल मूवमेंट था वो इलीट का, जो मैंने पहले भी कहा, वो एक गेम प्लान था कि किस तरीके से जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल सत्ता ब्रिटिश रूल ने बनाई राज रजवाड़ों को खत्म करके, उसको कैसे जो है इंजॉय करें, इसका एक फंक्शन था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि ये नेशनल मूवमेंट के लीडर को चीफ पावर ब्रोकर के तौर पे देखते थे, जो एक वर्टिकल चेन ऑफ क्लाइंट पैटर्न नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। क्लाइंट पैटर्न को एक बार फिर समझ लीजिए कि गांव में हजार लोगों को जो पैट्रोनेज देता है वो एक स्ट्रांग मैन है। तो ये क्लाइंट हो गए हजार लोग, कोई किसी को थोड़ा कुछ पैसे चाहिए, किसी को कोई पैरवी चाहिए, किसी ने किसको मार दिया तो ये देखेगा। और इस ऐसे कई पैट्रॉन को जो है एक सुपर पैट्रॉन मान लीजिए देख रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे कई सुपर पैट्रॉन को जो है प्रोविंस लेवल पे एक बहुत बड़ा सा पैट्रॉन देख रहा है जो प्रोविंशियल छत्रप है, लीडर है, और ऐसे सारे प्रोविंसेस के लीडर का जो लंबरदार है वो इस नजरिए में नेहरू पटेल और गांधी ये सब दिखते हैं। तो इस तरह से इन्होंने डिस्क्रेडिट किया इंडियन नेशनलिज्म को भी और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी। इसके प्रोपोनेंट तो बस नाम याद कर लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बहुत सारे नेम हैं, ये सारे हिस्टोरियन हैं। इनकी किताब यदि आप नेट पे जाके देखें इन्होंने क्या लिखा है, तो ये जो बातें मैंने कहा उसी व्यू पॉइंट को इन्होंने अपने हिस्ट्री के बुक में, इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री बुक में हाईलाइट किया हुआ है। अब यदि हम ये देखें कि इस जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच है इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, देखिए कॉन्स तो बहुत ज्यादा हैं, पहले कौन ही देखे, मतलब निगेटिव कि इन्होंने जो है इंडियन नेशन को भी डिस्क्रेडिट किया कि इंडिया एक नेशन है ही नहीं और कभी बन भी नहीं सकता है, ये तो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित जो है सैकड़ों हजारों कम्युनिटी है, कास्ट क्रीड रिलीजन लैंग्वेज रीजन और में बटा हुआ, तो एक तो ये, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इन्होंने उतना ही डिस्क्रेडिट किया कि ये तो एक शैम है, धोखा है, ये इलीट जो पावर ग्रैब करना चाहते हैं वो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से क्रिएट किया हुआ जो 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 राज सत्ता है उसके लिए एक नेशनलिज्म को उन्होंने एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया, एज ए क्लोक यूज किया, एक आवरण यूज किया, छद्म यूज किया। तो इन्होंने दोनों इंडियन नेशन, इंडियन पीपल और इंडियन नेशनल मूवमेंट और उसके लीडर सबको डिस्क्रेडिट किया। इन्होंने जो है जो इंडियन में जो एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट था
और जो बेसिक एंटागोनिज्म था कि लोगों में ये कि हम गुलाम हैं और हमको आजाद होना है, जिसको कि बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है वो कहते हैं लिबर्टी की वो भावना, जो सेल्फ रूल हम नहीं कर पा रहे, हम पे कोई और रूल कर रहा है उससे उपजती है, वो लिबर्टी की भावना। तो ये चीज को उन्होंने समझा ही नहीं, ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ऐसी भावना थी। इसके अलावा ये महज इंस्टीट्यूशनल था कि हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, जो मैंने आपको बताया, आर्मी से लेके जुडिशरी और कोर्ट कचहरी, लेजिस्लेचर एंड ऑल, ब्यूरोक्रेसी। ये लीगलिस्टिक था कि हाँ ये कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बना रहे हैं, और पूरा पूरा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच था, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, जहां पे कि इंडियन नेशनलिज्म भी इनको एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है इंडियन इलीट्स के हाथों में, जो अब सत्ता हथियाने के लिए वो नेशनलिज्म का यूज करते हैं। और इसके चलते इन्होंने आइडिया के रोल को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, जबकि आइडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय में पूरे दुनिया में नेशनलिज्म की आइडिया का एक हवा चल रही थी और उससे इंडिया अछूता नहीं रह सकता था। ये लोगों में भावना कि यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो सकता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो सकता है, यदि यूरोप में सभी कौम अपने को एक नेशन डिक्लेयर करके इतने उन्नत बन सकते हैं, तो हमारा इतना बड़ा भूभाग है और हम मतलब इतने एंशियंट सिविलाइजेशन हैं, तो हमारे यहाँ इतने एम्पायर रहे हैं, हम एक जैसे लोग रहे हैं, तो क्या हम नेशन नहीं हो सकते? ये आइडिया कहीं ना कहीं तो थी ही, और उसको हमारे नेशनल लीडर ने नेशनल कॉन्सियसनेस में बदला। तो इस चीज को बिल्कुल नकार देना, ये बिल्कुल इनकी निगेटिव थी। इसके अलावा तो नेचुरल है कि ये यूरोसेंट्रिक था, यूरोप को सेंटर में रख के देखना, यदि वहां पे एक रिलीजियन, एक लैंग्वेज पे बेस्ड नेशन है, तो इंडिया कैसे एक नेशन हो सकता है जहां की सैकड़ों कास्ट या हजारों कास्ट और दर्जनों रिलीजियन और सैकड़ों लैंग्वेज, वैसा हो ही नहीं सकता है। तो यूरोसेंट्रिक व्यू था, इथनोसेंट्रिक था, हमारा कल्चर बहुत महान है, इंडिया का कल्चर तो बिल्कुल बेकार है, जो नेटिव कल्चर, ओरिएंटल कल्चर होता है, और एक तरह का पैट्रोनाइजिंग अप्रोच था कि इंडिया के पीपल जो हैं वो तो हमें अच्छा मान रहे हैं क्योंकि हमने उनको मुगलों से मुक्ति दिलाई, हमने इनको जो फेडल व्यवस्था थी उससे मुक्ति दिलाई, हमने इनको मॉडर्निटी दिया, हमने इनको रेलवे दिया, हमने इनको हवाई जहाज दिया, पोर्ट दिया, सड़कें दी, लेजिस्लेचर दिया, आर्मी दिया, जुडिशियरी दिया, मॉडर्न कोर्ट कचहरी दिया, तो ये जो तो हम हमसे वो क्यों नाराज होंगे, इस टाइप की फीलिंग। और जो एडवर्ड सेड कहते हैं ओरिएंटलिज्म, मतलब ये जो हिस्ट्री उन्होंने लिखा, बहुत डीप सर्वे करके लिखा, बहुत साइंटिफिक वे में लिखा, लेकिन इतना ज्यादा अध्ययन जो हम लोगों के कल्चर का, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी का इन हिस्टोरियन ने किया, वो इसलिए नहीं कि हमारे सभ्यता को, हमारे समाज को समझ सके, इसलिए किया कि अपने समाज, अपने कल्चर, अपने नेशन की तुलना में हमें नीचा दिखा सके। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन कुछ अच्छी बातें तो होती ही है सब में, यदि अच्छी बातें खोजे हैं, यहां पे सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हिस्टोरियोग्राफी जो इनका था, मतलब इन्होंने जो हिस्ट्री लिखा और हिस्ट्री का अध्ययन भी किया, वो इंपेरिकल रिसर्च पे बेस्ड था, क्योंकि ये लोग काफी साइंटिफिक अप्रोच अपनाते थे, तो इन्होंने पहले सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे मेथड लगाए, जिसको बहुत सारे आप कह सकते हैं जो पॉजिटिविस्ट या लॉजिकल पॉजिटिविज्म, एक्सप्लेनेशन और इंडक्टिव अप्रोच, मतलब पहले सर्वे से डेटा जुटाओ, फिर एक पैटर्न देखो, उस टाइप का इनका अप्रोच था, तो साइंटिफिक था। इसके अलावा उन्होंने जो है, जैसा इसी से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री लिखा, वो एक तरह का सबसे ऑथेंटिक ग्राउंड सर्वे बेस्ड इथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन, मतलब डिफरेंट कास्ट क्रीड के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे था। तो इन्होंने मॉडर्न आइडिया और थॉट को यूज किया इनलाइटनमेंट का, तो साइंटिफिक वे में, रैशनल रीजन वे में, तो वो भी अच्छा था। और एक बात तो सही था कि इन्होंने इंडिया की डीप डाइवर्सिटी को समझा, उसको उजागर किया, जो फैक्ट है। और उससे ये परेशान जरूर हुई, समझ नहीं पाए कि ऐसा भी नेशन हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने ये दिखा दिया कि इतनी डीप डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो सकती है, एक गुलदस्ता भी अच्छा लग सकता है, एक ही तरह का फूल की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब इनकी अच्छाई भी थी, बुराई भी थी। और इन्होंने जो कम्युनल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया इनके सारे में था कि देखिए किस तरह से हिंदू नेशन और मुस्लिम नेशन अलग अलग हो गए, रिलीजन के बेसिस पे नेशनल मूवमेंट इनका बिखर गया, तो ये बात तो सच्चाई थी। और ये हमें दंश तो झेलना ही पड़ेगा कि हम लोग अपने नेशनल मूवमेंट को एक नहीं रख पाए और हिंदू मुस्लिम में बट गए, और उसके बाद भी क्या वो हिंदू मुस्लिम रुका है क्या? आज बटने के बाद भी
पाकिस्तान में भी नहीं रुका, उसके भी दो टुकड़े हुए, और हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम तो है ही, ये जो फीलिंग है उसका अलग अलग रूप है, अलग अलग उसके डिस्कोर्स हैं। तो ये चीज को उन्होंने जो उजागर किया वो भी एक है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई तो कह सकते हैं। अब आइए हम लोग नेशनलिस्ट अप्रोच देखते हैं, ये एकदम उससे उल्टा था जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच है, सब कुछ जो वो कह रहे हैं उसका अगेंस्ट जाएंगे, मतलब वो कह रहे हैं कि इंडियन नेशन नहीं हो सकता है। तो इनका कहना था कि नहीं नहीं इंडिया तो बिल्कुल एक नेचुरल नेशन है, ये कोई उनका कहना था कि नेशनलिज्म एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में आई है, लेकिन इंडिया चूंकि उस तरह का समाज नहीं है तो यहां वो नहीं हो सकती है। तो इनका कहना नहीं 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 हमारा तो राष्ट्र का जो भावना, मैंने आपको राष्ट्र पढ़ाया, वो तो एंशियंट काल से है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एंशियंट काल से है, सभा समिति का जिक्र है, तो वो बीज छुपी हुई थी, आपने उसको कुचल दिया है या मुगलों ने कुचल दिया है या जो बाद में जो फॉरेन रूल आया उसने कुचल दिया है। हमारी राष्ट्र की भावना तो बहुत ही उन्नत थी और हम एक उन्नत राष्ट्र है, फिर से हम अपने गौरव को पालेंगे। तो एक तरह का ये जो है रिवाइवलिस्ट अप्रोच था, गोइंग बैक टू पास्ट था, पास्ट के ग्लोरी सिविलाइजेशन में ढूंढना अपने वजूद को और उससे प्रेजेंट को लिंक करने का था। ये पूरा जो है आइडिया पे बेस था, मतलब ये आइडिया ऑफ राष्ट्र इसको सर्च करने की कवायद थी, और ये कहना था कि ये आइडिया का बीज हमेशा से भारत में रहा है और भारत हमेशा से एक नेचुरल राष्ट्र रहा है। लेकिन कौन सा राष्ट्र, इस पे विवाद हुआ, आगे हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे। सो इन कंट्रास्ट टू द इंस्टीट्यूशनल लीगल एंड मटेरियलिस्टिक और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच ऑफ द कोलोनलिस्ट हिस्टोरियन, द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन एडॉप्टेड एन आइडिया सेंट्रिक अप्रोच टू इंडियन नेशन, आइडिया सेंट्रिक एंड पास से लिंक करना। तो ये जो है कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कोलोनियल आइडिया को कि इंडिया एक राष्ट्र नहीं हो सकता, एक नेशन नहीं हो सकता, इन्होंने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसके ना दो धाराएं थी, दो, जो पहली धारा थी उसमें वो वेस्टर्न नेशनलिज्म को अपने यहां होता हुआ देख रहे थे, सावरकर भी इसमें आते हैं, जो मेजिनी एंड जो जर्मन की नेशनलिज्म इन सब से प्रभावित, मतलब यूरोप में जिस टाइप का हुआ एक यूनिफॉर्म। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहां पे तो बहुत सारे रिलीजन हैं, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और वो हिंदू नेशन और मुस्लिम नेशन में बाद में एक तरह का बदल गया, जैसे सावरकर का आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र हमारा जो है वो हमेशा से है, तो फिर मुस्लिम राष्ट्र अलग हो गया। तो इस टाइप की जो, तो एक तो धारा थी कि मॉडर्न नेशनलिज्म जो यूरोप में आई उसको ही इंडिया में इमेजिन करना कि उसी टाइप की हमारे यहां भी एका वाला है, कल्चरल एका है, तो कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक हमारे यहां रिलीजन एक नहीं है लेकिन हम कल्चरली एक नेशन है। दूसरी धारा जो थी वो ये कह रहा था कि हमारा एंशियंट काल से ही हम राष्ट्र हैं, भारत राष्ट्र है, जो मैंने आपको राष्ट्र पढ़ाया कि उस समय से जब चाणक्य के टाइम से और मनुस्मृति के टाइम से हमारे राष्ट्र की जो भावना थी, एक स्पिरिट, एक ह्यूमन स्पिरिट, एक आत्मा लोगों की जो एक भूभाग में बसते हैं, वो आइडिया था और वही जो है वो दबा हुआ था। अब वो नेशनल कॉन्शियसनेस जो है एंटी कोलोनियलिज्म के चलते, जब हम पे जुलुम हुआ, जब हम पे फॉरनर आके शासन कर रहे हैं, हमारे कल्चर को नीचा दिखा रहे हैं, हमें एज ए पीपल वो कुचल रहे हैं, तो वही राष्ट्र की भावना अब जो है नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो रही है। तो एक आप समझ रहे हैं, एक यूरोप से मॉडर्न टाइम में नेशनलिज्म को इंडिया में इमेजिन किया जा रहा है, और एक अपना इंडिया का ओरिजिनल राष्ट्र की भावना जो है, जो बिल्कुल अपने अलग तरह की है और सुसुप्ता अवस्था, मतलब डॉर्मेंट स्टेज में हजारों साल से है, वो निकल के मॉडर्न काल में आती है बिकॉज ऑफ दिस एंटी कॉलोनियल फीलिंग। अब ये मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, ये बेसिकली मैंने इग्नू से के मेटेरियल से लिया है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये सब हिस्टोरियन जो है नेशनलिस्ट, उन्होंने कैसे ये कहा कि इंडिया का अपना पास्ट में जो है वो राष्ट्र का फीलिंग ऑलरेडी था, राष्ट्र की आइडिया ऑलरेडी थी और एक ग्रेट राष्ट्र था, सब लोग बराबर लगभग कहते हैं। आप इनके बुक और इनके आइडियाज को पढ़ लीजिए, एग्जाम में आप इसको लिखिएगा, लेकिन मेन यही समझिए कि दो धारा है, उसमें से सेकेंड धारा की ये बात हो रही है कि राष्ट्र हमेशा से भारत रहा है और वो एक उन्नत राष्ट्र रहा है जो दब गया था, अब वो फिर से जो है राष्ट्र निकल के आ रहा है। The nationalist historian यदि national movement को देखें तो कैसे देखते हैं, वो कहते हैं कि ये तो एकदम एक आइडिया का movement था, इसमें जो leaders थे वो तो मतलब service करने के लिए अपने का सर्वस्व sacrifice करने वाले leader थे, वो
नेशनलिज्म की आइडिया से ओत प्रोत थे, वो पैट्रियटिज्म के भावना से ओत प्रोत थे और वो पूरे राष्ट्र का कल्याण चाहते थे और वो समझ चुके थे कि राष्ट्र की आत्मा कहाँ है और कैसे उसको जीवित करना है। तो इस टाइप का वो मूवमेंट देखते हैं। उनके अनुसार से ये मूवमेंट मास मूवमेंट था, पैन इंडियन मूवमेंट था, इसमें पूरे इंडिया के लोग शामिल हुए और इस मूवमेंट ने एक राष्ट्र की चेतना जो जो डॉर्मेंट स्टेज में थी, जो दबी हुई थी, उसको उभार दिया और पूरे लोग जो हैं, करोड़ों लोग ये महसूस करने लगे कि हम एक राष्ट्र के मेंबर हैं। तो जैसा आपने देखा कि ये जो ग्रेट लीडर थे नेशनल मूवमेंट के, उनके रोल को इन्होंने बहुत हाईलाइट किया। इनके अनुसार से वो गॉड लाइक थे, गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बाल पाल, लाजपत राय एंड ऑल, मतलब वो ओत प्रोत थे राष्ट्र प्रेम की भावना से, राष्ट्रीयता की भावना से, देश प्रेम की भावना से, और वो सेल्फलेस जो है वो सर्विस कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि बिपिन चंद्र पाल ने किस तरह से भारत माता की इमेज को बनाया, उसको हाईलाइट किया गया। तिलक ने कैसे जो है स्वराज इज माई बर्थ राइट, उन्होंने कैसे मराठी जो कल्चर जो था, जैसे गणेश चतुर्थी, इन सब को रिवाइव करके जो है, और फिर उसको उन्होंने हायर लेवल पे वो इंडियन नेशनलिज्म पे वो लेके गए, मतलब एक रीजनल नेशनलिज्म जो मराठा नेशनलिज्म को उन्होंने लिंक किया नेशनल जो जो पैन इंडिया नेशनलिज्म से। एंड सावरकर जो मैंने आपको बताया भी, जिन्होंने अपने बुक हिंदुत्व में कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, सावरकर ने ये कहा कि हमेशा से जो है हिंदू एक राष्ट्र रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियलिटी, मतलब हम एक भूभाग पे रहते आए हैं, हमारा एक जो है कल्चर है, हमारा एक रेस है, हम देख के लोग बता सकते हैं कि हम हिंदू हैं हमारे नाक नक से, फीचर से, और एक तरह की हमारी कल्चर है। तो टेरिटोरियलिटी, कल्चर और रेस के बेसिस पे इन्होंने हिंदू को हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इन सब में प्रॉब्लम यही था कि जब आप एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो फिर जो जो मुस्लिम कौम है वहां पे जो 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 एक उभार आता है भावना की कि हम एक अलग राष्ट्र हैं, उसी का जो है टू नेशन थ्योरी में बदली और उसका जो परिणाम हम लोग सबको पता है। तो इसके जो प्रोपोनेंट हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सब थिंकर और भी थिंकर आप नेट पे देख सकते हैं, लेकिन इनको एग्जाम में आप लिख सकते हैं। यदि इसके हम प्रोस एंड कॉन्स को देखें तो इसके फेवर में तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने पास्ट की ग्लोरी को जो है एक तरह से उभारा, हमारा जो पास्ट ट्रेडिशन है, सिविलाइजेशन, कल्चर, तो इसमें एक हमें एक भावना तो आई कि हमें कि हम लोग भी का पास्ट है, गौरवपूर्ण इतिहास है, और उससे इन्होंने लिंक किया इस हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो ये एक अच्छी बात थी। ये एंटी हेजमनिक भी था, एंटी हेजमनिक, ये मैंने ग्रामिस्ची का जो हेजमनी है वो वर्ड लिया है, मतलब ये एंटी हेजमनिक इस वे में था कि कोलोनियल हिस्ट्री ने, जो एडवर्ड सेड बोलते हैं ओरिएंटलिज्म, मैंने आपको बताया, उसमें एक नैरेटिव क्रिएट किया कि सब कुछ अच्छा था, जो ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में कोलोनियल रूल एस्टेब्लिश किया वो बेनिवोलेंट था, वो रूल आधारित था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, उसने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन दिए, मॉडर्न लाइफ दिया, अच्छी जो है शिक्षा दी, और उसी से जो है इलीट पैदा हुए, और कोई एंटागोनिज्म नहीं है, हम तो आपको सेल्फ गवर्नेंस सिखा रहे हैं और चले जाएंगे। तो ये जो हेजोमनी उन्होंने, कल्चरल हेजोमनी इस्टेब्लिश की, उसको नेशनलिस्ट जो अप्रोच है वो ब्रेक करता है, ये काउंटर हेजोमनी क्रिएट करते हैं, ये कहते हैं नहीं, हम पहले से ही बहुत उन्नत राष्ट्र थे और हम मॉडर्निटी भी हमारी अलग तरीके की मॉडर्निटी थी, ऐसा नहीं है कि यूरोप यदि मॉडर्न बना तो वही मॉडर्निटी हर जगह जो है थोपा जाएगा, हर जो देश है वो अलग अलग रास्ते से मॉडर्न होता है, हम मॉडर्न हो रहे थे, आपने आके हमें डिस्टर्ब किया है, और हमारी अपनी जो फिलोसॉफिकल सोच है, आइडिया है, नॉन मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है, हमारा स्पिरिचुअलिटी जो है उन सब आपसे अलग है और उन्नत है। तो ये बहुत ही अच्छा था कि हमें ब्रेक करने में, जो कॉलोनियल मानसिकता थी, दासता, उससे भी इन्होंने मुक्ति दिलाने में कोशिश की। ये बिल्कुल स्वदेशी था, ये आप कह सकते हैं, जो लीडर थे, जो उनकी सोच थी, जो उनका रूट था, ऑफ कोर्स इसमें से कुछ लोगों ने वेस्टर्न मॉडर्निटी और वेस्टर्न नेशनलिज्म को अपनाया और इंडिया में इमेजिन किया, लेकिन इसका एक धारा जो थी वो बिल्कुल स्वदेशी थी।
एंड इन्होंने रोल ऑफ आइडिया को हाईलाइट किया, मैंने बताया आपको। इन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को रेज करने में तो बहुत हेल्प किया। लाल बाल पाल का, तिलक का, और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, इवन नेहरू का, गांधी का, जो उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया और लोगों को ये फील कराया कि हम लोग एक देश के एक पार्ट हैं, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी हैं, जो बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं। जो जो माइंड का जो कॉन्सेप्शन ऑफ माइंड, तो उन्होंने लोगों के माइंड में ये पैदा किया कि हम एक राष्ट्र के हिस्से हैं। और ये तो मैंने बताया है कि इन्होंने हिस्टोरिकल जो इंडियन नेशन है उसको प्रेजेंट वन से लिंक किया, ये बहुत बड़ा इनका प्लस था। इनकी क्रिटिसिज्म तो मैंने बार बार की भी है कि सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ये इन्होंने सिंबल्स जो है ना, जनरली इन्होंने हिंदू रिलीजन और कल्चर से ले लिया। वहीं पे प्रॉब्लम पैदा हुई, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब आप रिलीजन से जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे इतना डोमिनेंट अदर रिलीजन भी रहे हैं। ईसाई लोग तो शासन करते थे, ऑफकोर्स वो बहुत माइनॉरिटी में थे, वो तो चले भी गए, लेकिन मुस्लिम जो एक समय शासक थे, लेकिन इतने लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करा दिया कि एक ह्यूज नंबर ऑफ मुस्लिम जो है यहाँ पे हो गए, और वो एक अलग तरह की उनकी रिलीजन, ऑर्गेनाइज रिलीजन है, सनातन धर्म एक अलग तरह की है, और इन सब के चलते इतनी कठिनाई हुई कि दो राष्ट्र रिलीजन के नाम पे बना। और चूंकि हम सनातन धर्म वाले कंट्री थे, हम सेकुलर रहे, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा मुस्लिम है, तो फिर एक जो चीजें हम सॉल्व करना चाहते थे वो फिर से हमारे पास अभी भी है कि हिंदू मुस्लिम अब फिर क्या हो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहां भी दिखती हैं इनके हिस्ट्री में भी, और वो इनकी एक कमजोरी रही। इसके अलावा इन्होंने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी की, आइडिया की बात की, पास्ट की बात की, लेकिन इतना इंपेरिकल रिसर्च पे बेस्ड नहीं था, इतना साइंटिफिक कोई नहीं था, बस बातें थी, सोच थी, आइडिया पे बेस था। और हिस्टोरिकल इवेंट को उन्होंने सेलेक्टिवली लिया, जहां पे जो इनको समझ में आया कि वो हमें मॉडर्न नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, तो वहां कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट से चूकते हैं, लॉजिकल रैशनलिज्म से चूकते हैं ये। इसके अलावा जैसे एक धारा इनका जो है वो वेस्टर्न आइडिया को सपोर्ट करता था, तो दूसरा धारा जो है वो वेस्टर्न मॉडर्निटी और नेशनलिज्म को अपोज करता था, तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया। एक तरह का ये रिएक्शनरी दिखता है, जो कुछ भी इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन बोलेंगे जस्ट उसका उल्टा कहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बैलेंस लूज कर जाते हैं। इसके अलावा जो इंडियन सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी थी, एंटागोनिज्म था, कंट्राडिक्शन था, उसको बिल्कुल उन्होंने मतलब कि देखा ही नहीं, एज इफ की सब चंगा सी जो कहते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, एकदम सब एक है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जो कॉलोनलिस्ट हिस्टोरियन ने देखा वो फैक्ट है, यह काफी डीप डाइवर्सिटी है, और लोग इमेजिन करने में बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम एक राष्ट्र थे आज से 200 साल पहले, लेकिन इस तरह से जब आप उसको ढक देंगे तो वो शुतुरमुर्ग वाली हो जाती है, आपने बालू में मुंह छिपा लिया, उससे आपकी डाइवर्सिटी, कंट्राडिक्शंस, एंटागोनिज्म खत्म तो नहीं हो जाती। आज भी जो है कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स चल तो रही है, लोग विभाजित तो हैं, तो लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी है, उससे मुंह नहीं मोड़ना। इन्होंने मुंह मोड़ा एक तरह का लगता है। इट अंडरमाइंड द रोल ऑफ मासेज इन नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा इन्होंने इतना ज्यादा लीडरशिप पे फोकस किया, इनके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री कुछ नहीं है, गांधी जी के की बायोग्राफी जैसी है, पटेल की बायोग्राफी है, उसमें मास जो है वो एक अनडिफ्रेंसिएटेड, एक होमोजीनियस कुछ एक एंटिटी है जिसका कोई अपना वजूद नहीं है, बस वो लीडर के पीछे भाग रहा है। तो इस टाइप की जो मासेज के लिए जो इनकी सोच थी वो भी, उसको भी काफी लोग बुराई करते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। मेरा इरादा था कि मार्क्सिस्ट और फिर सब अल्टन इनको भी कर दे, लेकिन ये फिर 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो बहुत अच्छा नहीं है, कई स्टूडेंट इसको इसमें थक जाते हैं, तो मैं इसे पार्ट वन के रूप में अभी क्लोज करता हूँ। अच्छा है कि आज फ्राइडे को ही आप इसको देख लेंगे, और फिर मौका लगा तो सैटरडे को ही, कल ही जो है इसकी पार्ट टू में हम लोग मार्क्सिस्ट एंड सब अल्टन अप्रोच जो इंडियन नेशनलिज्म की है उस पर विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप गाइड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पेपर की भी और इसके पहले जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट थी उसकी भी गाइड लिखने की मैं कोशिश करूंगा, इससे पहले कि आपका एग्जाम मार्च में हो। और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने को। कृपया सवाल छोटे छोटे पूछे जिसका जवाब कुछ एक दो लाइन में दिया जा सके। मिलेंगे बहुत जल्द फिर इसके पार्ट टू वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।